हे दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हम वापस से जा रहे हैं सागर अपने ग्वालियर बोरी उस्तर लेके घर पे, क्योंकि हमारा कॉलेज हो गया ख़त्म। और जब हम गाड़ी लाए तो उसको भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। पहले हमने ट्रांसपोर्ट से गाड़ी किया था, तब स्टेशन के थ्रू अपनी गाड़ी को भिजवा रहे हैं। सो आप वीडियो देखते रहिए, हम मिलते हैं आपसे सीधा स्टेशन पर। हम लेट हो रहे हैं, 6 बजे पैकिंग का बंद हो जाता है और हम 5:30 निकल रहे हैं। सो आप वीडियो देखते रहिए पूरा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे स्टेशन पे। तो चाबी निकल जाएगी। तो शो शो तो आप पूरा ब्लॉग देखते रहिए, हम मिलते हैं सीधा स्टेशन पे। बाय। तो वी आर केम टू सागर स्टेशन पार्सल ऑफिस। जो भी मेरे पीछे देख रहा है वो पार्सल और चाहिए मेरी एक्टिवा खड़ी है, तो इसको मेरे को पैक कराना है और ग्वालियर अपनी भिजवाना है। तो एक चीज़, पहले जो मेरे से पैकिंग के 430 रुपये ले रहे थे, फिर मेरी थोड़ी कॉन्टैक्ट था थोड़ा बहुत, तो मेरे से सिर्फ 300 रुपये ले रहे हैं पैकिंग के। तो कॉन्टैक्ट के थोड़े फ़ायदे मिल जाते हैं, तो आप भी अलग अलग कॉन्टैक्ट बनाइए, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाइए। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पैकिंग में। अभी मेरे से एक वीडियो हुई, मेरे एक 7:30 बजे की ट्रेन थी, पर उसमें मैं जा सकता था, पर मैं अपने बैग नहीं लाया हूँ, तो मेरे को 11:30 बजे वाली ट्रेन से जाना पड़ेगा ग्वालियर। तो बैटरी का मैसेज आ गया, तो आपको दिखाता हूँ पूरा। तो वो मेरी पार्सल ऑफिस सागर का, और ये अभी रेनोवेट हो रहा है तो पूरा खुदा खुदा पड़ा है। और ये मेरी गाड़ी अभी, और मेरी दोस्त खड़ी है, तो अभी जो पैकिंग होगी और जो सागर से भोपाल सॉरी ग्वालियर जाएगी। तो ऐसा ही अभी तक, तो मैं आपको दिखाता हूँ और बाद में क्या क्या होता है। वो मेरा 15% चार्ज है, और अभी टाइम 6:13 हो रहा है। तो देखते रहे आप हमारा ब्लॉग, मिलते हैं हम थोड़ी देर से। बाय टाटा। तो दोस्तों, हमने अपनी एक्टिवा रखवा दी है पार्सल ऑफिस में, पूरे पैक मैक करके, और हमारा खर्चा हुआ है 1330 रुपये टिकट को हटा के। और आप बताते हैं, हाँ जी। तो दोस्तों, आई रीच होम। रीच सागर स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, और अभी टाइम हो रहा है 12:03। तो आगे आपको दिखाता हूँ क्या होता है। हमारे पास सामान है बहुत, लोग हूँ मैं अकेला, तो ज़्यादा आपको सामान हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है, बस 1, 2, 3 और जो मैं लैपटॉप वाला, और इन लोग हूँ मैं, इंसान हूँ मैं अकेला, तो बड़ा स्ट्रगल रहेगा इस बार। सो देखते हैं क्या रहेगा आज का स्ट्रगल। भारी भारी बैग है, सबसे ज़्यादा भारी ये है, फिर ये है, और इसका एक स्ट्रगल है, इसकी बद्दी टूट चुकी है, फ्री हो गया जी, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, काफ़ी दिनों से रखा है घर पे। तो मैंने सोचा सामान भर लूँ, अब इसने लास्ट मोमेंट धोखा दे दिया। हमारे बच्चों हमको छोड़ने आए थे, और ये कुछ सागर स्टेशन है, दूसरा प्लेटफॉर्म, और ये हम अलविदा करते हैं सागर को। फाइनली पहुंच गया मैं ग्वालियर, बड़ी मुसीबतों के बाद, क्योंकि हमारे ट्रेन में जगह नहीं थी, और मैं ही पता था कि हम कैसे है लैंग्वेज के साथ हैंडल के साथ दिया, वरना ऐसे कैसे हो जाता। तो चलते हैं घर पे अपने, और दिखाते हैं आपको क्या होता है, क्या स्ट्रगल हो रहा है हमारा ऑटो का, तो बता दें आपको। हमारे पास इतना सामान था नहीं भैया, और एक लैपटॉप बैग जो मैं टांगे हुआ हूँ, देख सकते हैं आप। और जब भी मैं ग्वालियर स्टेशन पर खड़ा हूँ, सो फाइनली हम ऑटो मिल गया हमें, और हम ऑटो में बैठ चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं। सो चलते हैं अब अपने घर पे, और दिखाते हैं हमारा सामान। सो वी आर फाइनली रीचिंग अवर होम। अंदर डालो इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, हाँ ले चलो, होल्ड अंदर, सीधा ले चलो, सीधा सीधा मुड़ जाएगा कैसे, बस यहीं रोक लो,
बस बस बस, अरे आराम से। तो फाइनली आई रीच होम, स्विच होम दैट यू कैन सी बिहाइंड मी। और अभी गार्ड अंकल हमें बोल गए हैं बाहर से आए हुए आप, और हमारा पीछे सामान डला है। अभी मैं घर वालों को कॉल लगाया, अभी घर वालों ने तो कॉल उठाया नहीं, हमारा कुत्ता आ गया, सर कॉल तो नहीं है। तो आपको दिखाता आगे का क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो मेरे को फ़ोन लगाना है घर पे और घर वालों से गेट खुलवाना है, तो खुल जाए गलती वाले। तो जी हमारा सामान रखा है, जी हमारा घर है, मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा है, और तो जल्दी गेट खुल जाए यार। चलो मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड विथ अस। बाय बाय, बाय बाय नहीं, अभी ऊपर चलते हैं, मिल जाता आपको। इस मेरे घर वाले इतने कुमकरण है, मैं बता रहा हूँ, मैं 20 मिनट से कॉल कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, और मैं घूम रहा हूँ यहीं पे आस पड़ोस में, वो मेरा घर है पीछे देख सकते हैं। मैं 20 मिनट से बराबर कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ पर कोई मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। आप वो नींद आ रही अलग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट बाहर आ गया, मतलब कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट। अब मैं क्या करूँ यार, घर वालों कैसे उठाऊँ, कॉल आके मैं परेशान हो गया हूँ, बराबर कॉल कर रहा हूँ मैं, नो बड़ी माई कॉल लेट। तो लगाता हूँ मैं कॉल वापस से, अपना बोरी व्यवस्था लेके नीचे खड़ा हूँ पूरा, बोरी व्यवस्था रखता है मेरा, तो नो बड़ी पिकिंग माई कॉल। तो देखते हैं वापस से लगा के, अब लगाओ देखते रहे हमारा। ये हो रहा है 5:20 और मैं 4:50 पे आ गया, टोटल मेरे को आधा घंटा हो गया है, और अभी फ़ोन उठाया मेरा, और ये मेरा सामान रखा है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ नीचे ऊपर हो गए से मेरा घर के लोग, उनकी बात ही निराली है। अब चलते हैं, ठीक है। फोन नहीं सुनाई देता क्या? नहीं तो वो फोन सुन लिया करो थोड़ा। तो मैंने रख दिया सामान नीचे क्योंकि मेरी सामान लेने की भी कोई हिम्मत नहीं है, और चलते हैं मंदिर। सो फाइनली रीच होम स्विच होम। तो अब आप क्या सो अब मेरे को आज गाड़ी भी उठाने जाना है स्टेशन से, तो शाम को देखते हैं गाड़ी का क्या सीन है, फोन ला के जाऊँगा क्योंकि शाम को आने वाली गाड़ी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए हमारा ब्लॉग कैसा लगा, जो कि हम अपने 4 साल में जहाँ रह रहा था, 3 साल जहाँ रह रहा था वहाँ छोड़ के आया हूँ। तो लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब डोला का सोलो। टाटा बाय बाय, सी यू सून।